और अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां सुल्तानपुर से अगली खबर है, स्कूल प्रिंसिपल ने छात्रा से छेड़छाड़ की। स्कूल प्रिंसिपल ने छात्रा से छेड़छाड़ की है। ईटखेड़ी के सरकारी स्कूल का मामला बताया जा रहा है। सुल्तानपुर से खबर, जहां स्कूल प्रिंसिपल ने छात्रा से छेड़छाड़ की। ईटखेड़ी के सरकारी स्कूल का मामला, विरोध करने पर प्रिंसिपल ने छात्रा को धमकाया। परिजनों के विरोध के बाद प्रिंसिपल मौके से फरार हो गया है। प्रिंसिपल रमा शंकर अहिरवार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कई अन्य छात्राओं का भी प्रिंसिपल पर आरोप है। कुछ गंदी बात की है तो हम सब ने मिलकर विरोध किया है कि हमको ये सर नहीं चाहिए, हमको एक महिला प्रिंसिपल मैम चाहिए, हमको ये सर नहीं चाहिए, इनको हटा देना। रमाकांत अहिरवार सर, वो एक लड़की हमारी क्लास की 11th की, उसके साथ भी ऐसी हरकत थी। उससे बोलने लगे मुझसे बात कर लो तो मैं तुमको मोबाइल लाने नहीं दे दूंगा, तुम्हारे मन में पढ़ाई में मन नहीं लगता। और एक दिन हमारी क्लास में आए थे तो बोलने लगे हम तुम ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देखना। तो सब बच्चे नीचे देखने लगे और उसको मार के वो चली गई। रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। रमाकांत, स्कूल प्रिंसिपल पर एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला बताएं? जी पारा जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो शासकीय विद्यालय ईटखेड़ी का मामला है, जहां पर एक छात्रा ने प्रिंसिपल आरोप लगाया है कि इसमें छेड़छाड़ की गई है। संध्या नाम की छात्रा बताई जा रही है, जब पढ़ाने की वहां पहुंची उसकी जानकारी ली तो इसकी जानकारी मिली, जब जाके पूरा मामला सामने आया। उस मामले दबाने के लिए छात्रा ने बताया कि प्रिंसिपल द्वारा मुझे ऑफिस में बुलाया गया और मेरे साथ छेड़छाड़ एवं अभद्र व्यवहार और गंदी बातें की गई, जिससे मैंने इस बातें घर वालों को बताने कही तो उसने मुझे डरवाया और धमकाया। फिर जाके मैंने छात्रा ने घर जाके बताया इस मामले को पूरे को। उस पर छात्रा के परिवार वाले वहाँ आए स्कूल में, इससे पहले स्कूल पहुँचते प्रिंसिपल वहाँ से फरार हो चुका था। राकेश, इससे पहले भी प्रिंसिपल पर किसी तरह के कोई आरोप लगे हैं स्कूल में? पहले भी कोई इस तरह का कोई मामला जिसमें प्रिंसिपल पर आरोप लग रहे हो? जी बिल्कुल बताऊंगा। छात्रा ने बताया इससे पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, कई छात्रों ने और आरोप भी लगाए कि हमारे साथ गंदी गंदी हरकतें और गंदी बातें करता था प्रिंसिपल, और हटाने की मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल की दबंगी समझे या राजनीति की दबाव समझे उस कारण वो अब तक हट नहीं पाया। बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। जी कंप्लीट कर लीजिए, बताइए राकेश। लेकिन सोचने वाली बात पारुल जी, एक बात है, जो गुरु ही शिक्षा ऐसी हरकतें करे तो शिक्षा कहाँ तक जाएगी, क्या भविष्य बनेगा बच्चों का इस मामले में? शुक्रिया जानकारी के लिए राकेश।